तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मक्का की खेती हम करते हैं उसको, जैसे कि आप देख सकते हैं मेड़ा बना हुआ है। इसके मेड़ा में जो खरपतवार जमता है उससे हमारा जो मक्का का पौधा रहता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है खरपतवार जमने के कारण। आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूँ जिसका उपयोग करके आप अगर उपयोग करेंगे, मक्का जम गया है चाहे नहीं जमा है, आप बुआई करें हैं उसके एक दो दिन बाद या हल्का फुल्का मतलब अंकुर आ गया है उसके बावजूद भी आप मार सकते हैं, मतलब दवा का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप उस दवा का छिड़काव करेंगे तो आपका जो मेड़ा रहता है उसके बीच में खरपतवार नहीं जमेगा, जिससे किसान भाइयों को बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और इसका एक ये फायदा रहता है कि खरपतवार ना जमे और इसमें हम खाद यानी कीटनाशक का उपयोग कर दें तो हमारा जो मक्का का खेती रहता है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है, जिससे किसान भाइयों को बहुत अच्छा खासा लाभ मिलता है। आज हम जिस दवा का उपयोग करेंगे उसका दवा उपयोग कर लेते हैं तो उसका एक बेनिफिट और रहता है कि आपको बताना चाहूंगा, जिसमें हम मादा देते हैं, जो भी आप मक्का खेती करते हैं उसमें हमको मादा देना बहुत जरूरी रहता है। अगर हम उस दवा का उपयोग कर लेंगे तो खरपतवार जमेगा नहीं और हम कीटनाशक का उपयोग कर देंगे, जिससे यह फायदा रहता है कि हमको मादा देने का जरूरत नहीं रहता है। तो उस दवा का नाम है एट्रोस्टार। अगर आप उस दवा का उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। और उस दवा आता है 500 मतलब आधा किलो के पैकेट में, उसका उपयोग हम चार हिस्सा में करेंगे, जैसे कि चार टंकी 16 लीटर टंकी में हम उसका घोल देंगे। सफ़ेद पाउडर आता है, पाउडर टाइप से रहता है और मैं आपको उसका डिटेल से वीडियो दिखाता हूँ किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से मैं टंकी में दवा को भरता हूँ, किस टाइप से खेत में छिड़काव करता हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको खेती से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपका कोई भी मतलब सवाल होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका सवाल का हल करने का जरूर कोशिश करूंगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा आपको कौन सा खेती से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कौन सा दवाई से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में अरे आपको इस चैनल में मिल जाएगी। आप नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, मैं आपको सारी जानकारी देते रहूंगा। और इस दवा का आप उपयोग करें, निश्चित आपको अच्छा से अच्छा लाभ मिलेगा। और इस दवा का उपयोग मक्का की खेती में कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी खेती में कर सकते हैं, उसमें खरपतवार नहीं आएगा।